नरसिंहपुर रोड स्थित एलपी डील शॉपिंग मॉल ऑफर के नाम पर कर रहे हैं ग्राहकों से लूट। एलपी डील शॉपिंग मॉल में चल रही ऑफर की सूची कहीं भी नहीं लगाई गई। ऑफर का सामान ज्यादा निकलने पर एलपी डील के कर्मचारी ग्राहकों पर लगाते हैं चोरी का इल्जाम। एलपी डील शॉपिंग मॉल कर्मचारी ग्राहकों के साथ करते हैं दुर्व्यवहार। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर से हमारी आज की खास खबर। इस नरसिंहपुर रोड पर खुले एलपी डील शॉपिंग मॉल में ग्राहकों को ऑफर का लालच देकर बुलाया जाता है और धोखाधड़ी की जाती है। ग्राहकों के द्वारा बताया गया है कि शॉपिंग मॉल के कर्मचारी द्वारा उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शॉपिंग मॉल में जो ऑफर चल रहे हैं उनकी एक सूची बनाकर बाहर लगानी चाहिए ताकि ग्राहकों को पता चले किस सामान पर क्या ऑफर चल रहा है और प्रति व्यक्ति कितना सामान मिल सकता है। अप्रत्याशित और अनुचित बिलिंग ऑफरों की नकली प्रदर्शनी और कर्मचारियों द्वारा अनुचित व्यवहार का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है। इस अनैतिक और अवैध कार्रवाई के खिलाफ ग्राहकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। ऑफर्स के नाम पर ग्राहकों की भीड़ बुलाकर उनके शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों के द्वारा ग्राहकों पर अनुचित व्यवहार किया जा रहा है जिसमें चोरी का इल्जाम भी शामिल है। इससे ग्राहकों का भरोसा टूट रहा है और हानि हो रही है और उनके अधिकार उनसे छीना जा रहा है। ग्राहकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रहना चाहिए। यदि वे किसी अनुचित व्यवहार या धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो उन्हें तुरंत संबंधित प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए। स्थानीय प्रेस और सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक चेतावनी जारी की जा सकती है ताकि लोगों को धोखाधड़ी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाई जा सके। स्थानीय अधिकारियों कानून अधिकारियों को इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आह्वानित किया जा सकता है। ऐसा करके अनैतिक और अवैध कृत्यों के खिलाफ सख्ती से लड़ा जा सकता है। अब आगे ये देखना है कि खुले में चल रही लूट पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। जिला ब्यूरो राजा मंसूरी की खास रिपोर्ट। मैडम इनका पेमेंट वापस करिए, आप सामान नहीं ले रहे। सर एक मिनट, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं वीडियो मीडिया से हूँ ना, मैं तो वीडियो तो बनाऊंगा ना भाई भाई भाई। बना रहे, बताइए उनका वो सामान नहीं ले रहे, पेमेंट वापस करिए आप। उनको सामान नहीं जमा है, आप पेमेंट वापस करिए उनका। चार का बता दीजिए आप। उनको सामान नहीं लेना, पेमेंट दीजिए आप वापस। वो ये ले रहा ना। दो मैंने कितने हुए? आपका दो ये ने लिया, ये लो दो, वो तो लिया। और दो इसके मैडम पैसे वापस करवाइए उनको। काम को जाना ना, रोजेंगे ये दोनों, ये सामान नहीं लेना, उनको पेमेंट वापस कर दीजिए। जो हो गया ना सामान बनाएंगे ना। वो दो मैंने ले लिया। वीडियो तो